सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बच्चे तो बच्चे बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इससे आपका पेट भी भर जाता है और आपको ये टेस्टी भी लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एग रोल की। ये स्ट्रीट्स में भी मिलता है, पर स्ट्रीट्स में जो मिलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, तो आज हम इसे घर में बनाएंगे कम ऑयल यूज़ करके। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि बिल्कुल आसान तरीके से आप एग रोल कैसे बनाएं। तो चलिए, मेरा नाम है सोनल, आप आए हैं सोनल की रसोई में, चलिए शुरू करते हैं। एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कप मैदा ले रही हूँ, जिसे आप ऑल पर्पस फ्लार भी बोलते हैं। इसकी जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, नमक ज़्यादा ना डालें इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे ताकि जो आपका ये एग रोल है वो थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा क्रंची बने। अब ये जो हमने तेल डाला है, तेल को अच्छी तरीके से पूरे मैदे में मिक्स कर देंगे, और जब तेल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम पानी डाल के इसका एक आटा गूंथ लेंगे। इसका आटा हमें कैसा गूंथना है? इसका आटा हमें जैसा हम पराठे या रोटी के लिए आटा गूंथते हैं सॉफ्ट, वैसा ही गूंथना है। आप अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंथ लें। जब ये आटा गूंथ जाए तो आपको एक काम करना है, इसकी नीडिंग करनी है, मतलब इसे आपको थोड़ी देर तक गूंथना है जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज को लंबा काट के रखा है, 2 प्याज ली हुई है मैंने, और ये प्याज आप लंबी ही काटें क्योंकि लंबी प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें खाने में। और साथ में मैंने यहाँ पर कुछ हरी धनिया की पत्ती भी काट के रखी हुई है, ये मैंने बारीक काटी है। और अब इसमें हम डालेंगे नींबू, जी हाँ लेमन जूस। इससे और लेमन जूस डाल के हम हमारी प्याज और धनिया की पत्ती को थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे ताकि प्याज में थोड़ा सा खटास आ जाए। तो आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए लेमन जूस के साथ में, और इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए साइड में। तब तक हमारी जो प्याज है वो मैरिनेट हो जाएगी, और तब तक हम एक काम करते हैं, एक बोल में हम एक एग लेते हैं और एग को हम तोड़ लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से फेंटिए। एक टिप देना चाहूँगी, पर उससे पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार, ज़्यादा नमक नहीं डालिए क्योंकि एग में ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है। एक टिप दूंगी कि आप इसे जब फेंटे एग को तो एक फोर्क का यूज़ करें, इससे जो एग है वो अच्छी तरीके से फेंट जाता है। अब एग तो रेडी हो गया था और ये मैदा भी हमारा रेडी है। ये देखिए हल्का सा गीला है, लेकिन ऐसा ही रहना चाहिए आपका जो मैदे का आटा है। अब इसमें से एक लोई तोड़ लेते हैं, और लोई को हम अच्छा पतला बेल लेंगे। डिपेंड करता है कि आपको कैसा खाना पसंद है, एग रोल आपको मोटा पसंद है कि एग रोल आपको पतला पसंद है। और इसे आप बेल लीजिए। बेलने के लिए यहाँ पर मैं परथन का यूज कर रही हूँ, और परथन में मैं मैदा का ही यूज कर रही हूँ, और इसे हल्के हाथों से गोल बेल लीजिए। ये मैं ज़्यादा पतला भी नहीं रख रही हूँ और ना ज़्यादा मोटा रख रही हूँ, जो नॉर्मल जो रोटी हम बनाते हैं उसके बराबर या उससे हल्का सा मोटा मैंने रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, अब तो ये हमने बेल लिया है, अब हम इसे सेक लेते हैं। सेकने के लिए यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है, उसमें मैं ये हमारी जो मैदे की रोटी मैंने बनाई है ये डाल देते हैं, और रोटी को, मैदे की रोटी को दोनों तरफ से हल्का भूनिए, पहले सेक लीजिए। अभी मैं इसमें तेल नहीं लगा रही, देखिए दोनों तरफ से आप देख सकते हैं ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगे हैं, तो इसे आप प्लेट में निकाल लीजिए। अब उसी तवे पर आप थोड़ा सा तेल लगाएं, और जो हमने एग बीट करके रखा था वो भी आप इसमें डाल दें,
और जब एग हल्का गीला हो तो जो हमने रोटी सेक कर रखी है वो इसके ऊपर डाल दीजिए और इसे अच्छे तरीके से धीमी आंच में सेक लीजिए। तेज आंच में सेकेंगे तो जल जाएगा और अंदर का अंडा जो है वो अच्छी तरीके से नहीं पकेगा। तो ये देखिए मैंने ये एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने प्याज को मैरिनेट करने रखा था वो प्याज आप इसके ऊपर रख दीजिए। आप इसमें खीरा टमाटर भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्या क्या पसंद है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये हरी चटनी, ये बेसिकली धनिया मिर्च लहसुन की कली पुदीना और नमक से बनाई है। और इसमें हम डालेंगे साथ में थोड़ी सी टमाटो केचप, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है और जैसा स्वीट में मिलता है वैसा ही आता है। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ऊपर से और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ऊपर से नींबू का रस और इसे हम रोल कर देंगे। आप रोल ध्यान से कीजिए ताकि आपकी प्याज बाहर ना निकले। और ये हमारा एग रोल बनके बिल्कुल रेडी है। आप इस तरीके से इसे पार्चमेंट पेपर में रोल करके भी सर्व कर सकते हैं या फिर सिल्वर फॉइल का भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए एग रोल बिल्कुल रेडी है, इसे आप बच्चों को खिलाइए, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट ये आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों आपको ये सिंपल और इजी और क्विक एग रोल की रेसिपी कैसी लगी मुझे लिखकर जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरा वीडियो भी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।